नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार है। आपको बता दें कि बिहार में रोजगार हो या फिर विकासात्मक कार्य हो, हर सेक्टर में विकास की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और नए साल में बिहार सरकार ने बिहार वासियों को सौगात भी दिया। लेकिन इन सब के बीच किसानों को लेकर भी बिहार सरकार के पास बहुत कुछ खास है। ये पहला साल होगा जहां पर हर घर में, हर खेत में सिंचाई के लिए जल भेजा जाएगा। वो इसलिए ताकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुखाड़ होता है तो वहां पर कृषि अच्छे से हो पाए, तो तकनीकी सर्वे भी किया जा रहा है। ये पता लगाए जाने की कोशिश भी की जा रही है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है और वाटर लेवल कम होने के कारण हार्वेस्टिंग सही नहीं हो पाती है और किसानों को नुकसान होता है। तो ऐसे में सरकार ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। तस्वीरें हम आपको सीधे बैठक की दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार तमाम अधिकारी और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां पर जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ऊर्जा विभाग के मंत्री मौजूद हैं और सबसे डिस्कशन हो रहा है क्योंकि आज से सर्वे स्टार्ट होगा। सर्वे माने हर इलाके का सर्वेक्षण किया जाएगा कि कौन सा ऐसा इलाका है जो सूखा है और कौन सा इलाका है जहां पर नमी पाई जाती है। और ऐसे में ये सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो जल है वो खेतों तक सीधे पहुंचाई जाएगी ताकि खेती सही तरीके से हो पाए और इसका सीधा फायदा किसानों को हो पाए। तो ये पहली दफा बिहार में होगा जब नल जल योजना के तहत तो घरों में जल गया ही, लेकिन अब इस योजना के तहत खेतों में भी जल जाएगा और सिंचाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इसको लेकर आज हाई लेवल बैठक की जा रही है तमाम अधिकारी और मंत्रियों के साथ और आज से ही सर्वेक्षण का काम शुरू हो रहा है जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर खेत तक सिंचाई के पानी का तकनीकी सर्वे शुरू हो गया है। इसे 100 दिनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे पूरा होने के बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए DPR बनाने का काम भी शुरू हो गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगा जल उद्वह योजना के पहले चरण का काम 2021 में पूरा हो जाएगा। इससे गया और राजगीर शहरों को पेयजल की समस्या से राहत मिलेगी। साल 2021 तक के लिए पहले चरण में गया शहर के लिए 43 मिलियन क्यूबिक मीटर को और राजगीर शहर के लिए 7 MCL की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना से दरभंगा और मधुबनी जिले के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। 2021 में इस योजना के झंझारपुर शाखा नहर के खैरी उपवितरणी से करीब 97 किलोमीटर लंबाई, डुमरिया उपवितरणी से करीब 24.27 किलोमीटर लंबाई और चिकना उपवितरणी से करीब, साथ ही साथ झंझारपुर शाखा नहर से करीब 41 किलोमीटर और इसके बाद करीब 97 किलोमीटर तक मरम्मत भी पूरी की जाए। तो हर घर नल का जल के तर्ज पर अब हर खेत में सिंचाई को लेकर ये योजना बनाई गई है जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे इलाके जहां पर सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है उन इलाकों के किसानों को इसका सीधा फायदा होगा, उन्हें नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा और कृषि में भी सहूलियत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।